भी मेरे साथ मौजूद होंगे। आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में स्वागत है। पहला रुख मैं बीजेपी के प्रवक्ता का ही कर लेता हूं। आपकी जो पहली लिस्ट के बाद फूड दिख रही थी, दूसरी सूची में पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल के मोड में दिखे हैं आप, उसी पर जोर रहा है। और जो खासा जिक्र हो रहा था राजस्थान में, एक ही फैक्टर वसुंधरा फैक्टर, उसकी भी बहाली हो गई है सूची में। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि फूट वाली बात होती है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में या किसी दल के अंदर सभी का समावेशी रूप में करना चाहिए। जहां तक पहली लिस्ट की बात है तो आप देख लीजिए कि अधिकतर हमारे प्रत्याशी थे वो अधिकतर अधिकतर हारे हुए थे और एक सीट पर थे, तो उसमें हमने ये सोचा कि किस प्रकार से हम जीतें। तो कई डी कैटेगरी सीटें थी जो हम तीन तीन बार से दो दो बार से हम हार रहे थे, उस सीटों को हमने को छोड़कर, तो वो सारी सीटें उसका हमने समावेशी किया। दूसरी यदि ये सूची जारी की जाती है 83 की, उसमें आप देखेंगे अधिकांश हैं आपके वो विधायक हैं जो 2018 के अंदर जो 73 के लगभग जो सीटें आई थी हमें मिली थी उसमें सभी जीते हुए थे, जिसके लगभग 60 के लगभग थे हमारे जी। इसमें से जो टिकट की घोषणा हुई है जिसमें से 51 के लगभग हमारे सिटिंग एमएलए को सबको टिकट दिया है। वो एमएलए आप एक एक करके देखेंगे तो कोई उनकी संख्या कोई 10,000 से, कोई 15,000 से, कोई 8,000 से, सबसे संख्या जीती हुई है। और वो जो फीडबैक आया उस आधार के ऊपर वो जनाधार वाले नेता थे और वो जीत भी सकते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि किसी भी दल के लिए ये जरूरी है जी। और 8 के लगभग हमारे पास ऐसे थे जिनका फीडबैक भी आया और भी कोई कारण थे, उस कारण से उनको हमने टिकट नहीं दी जी। एक जो टिकट थी राज्यपाल जो बन गए हैं उदयपुर से, जो उनकी वो टिकट तो आप स्वाभाविक रूप से आप मानते किसी न किसी को देनी थी जी। 14 के लगभग हमारे वो प्रत्याशी थे जो वोटों की गणित में बहुत कम हारे या कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा था, लेकिन उन्हीं के लिए जो सर्वे आया वहां का से फीडबैक आया संगठन के हिसाब से और आम लोगों के हिसाब से, तो उनको प्रत्याशी बनाया गया। तो मुझे लगता है कि आप ये कहें कि कोई गुटबाजी हो, तो विधायक तो हमारे थे भारतीय जनता पार्टी, नहीं गुटबाजी तो गुटबाजी इस लिहाज से कह रहे हैं कि जब आचार संहिता लगते ही आपने एक तरह से कांग्रेस को चेकमेट करने की कोशिश की, तत्काल आपने पहली सूची रखी 41 नामों की, जिसमें से आपने 7 सांसद उतारे, 6 लोकसभा से थे, 1 राज्यसभा से थे, और कुछ जगह टिकट काटे आपने, जो प्रत्याशी वहां से दावेदार बन रहे थे उनके भी आपने, उनको भी चौंकाया काफ़ी पहली सूची में। तो पूरी तरह से राजस्थान में हंगामे की तस्वीर लगातार बनी हुई थी। आपने अरुण सिंह प्रभारी हैं उनको डैमेज कंट्रोल में लगाया, वो खुद नरपत सिंह राजवी के घर पहुंचे, उसके बाद खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि अक्सर देखने में नहीं आता है, हम भी काफ़ी समय से पत्रकारिता में देख रहे हैं कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का नेता डिविजन लेवल पर जाकर कार्यकर्ताओं के बीच टोह ले रहा है, उनके से सीधी बात कर रहा है। तो ये असर तो पहली सूची के बाद आपको खासा दिखने लगा था, और वो दूसरी सूची में कहीं ना कहीं आपके ही प्रवक्ता बीजेपी के मेरे शो पर 5:30 बजे भी कह रहे थे कि हमने स्ट्रेटजी थोड़ी रिविजिट की है। मैं आऊँगा, लौटूंगा आपके पास, कांग्रेस के प्रवक्ता भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। कांग्रेस आचार संहिता लगने तक खुद को आगे बताती रही, लगातार आप स्कीमों के जरिए कह रहे थे हमारी सरकार रिपीट होगी और बीजेपी कई बार सीन में ही नहीं है। प्रताप सिंह खाचरियावास का मुझे बयान याद आता है कि उन्होंने कहा कि बीजेपी तो ज़मीन ही ख़त्म हो गई है बीजेपी के राजस्थान में इस बार, और सरकार हम रिपीट करेंगे। लेकिन आप आचार संहिता के बाद से तो बीजेपी आपसे आगे दिख रही है हर तरह के कामों में, चाहे वो टिकटें रिलीज करने की बात हो, चाहे अपने रूटों को डैमेज कंट्रोल की बात हो, और अभी सीटों की बात हो, करीब करीब 125 सीटें वो रिलीज कर चुके हैं। आपकी इतने तारीख पर तारीख और इतनी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों के बाद नाम आए सिर्फ 33। कि इसको आप इस तरीके से देखेंगे, क्योंकि ये पहले तो जो बीजेपी की लिस्ट आई है, बीजेपी की लिस्ट में हम सबको दिख रहा है कि किस तरीके से पहली लिस्ट और सेकंड लिस्ट में किस तरीके से अंतर्विरोध बीजेपी की पार्टी में बिल्कुल बना हुआ है। नहीं, मैं चाहूंगा पंकज जी आप अपनी पार्टी के बारे में बताएं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनके बारे में बोलने के लिए। नहीं, मैं अपनी पार्टी के लिए बता देता हूं कि आज 33 लोगों की लिस्ट आई थी और एज सून एज पॉसिबल बाकी लोगों की भी जो रहते हैं उनकी लिस्ट आएगी, क्योंकि हम लोगों कि एक लोकतांत्रिक पार्टी है और ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक लगातार सारी प्रक्रियाओं से हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो गुजरे हैं, उसके बाद हमारे जो भी बेस्ट कैंडिडेट्स होंगे वो जनता के सामने आएंगे जी।
ये बेस्ट कैंडिडेट्स आप बता रहे हैं कि वे 33 सीटों पर थे, काफी एक सेफ गेम आपने प्ले किया, क्योंकि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं फूट देखने को मिली, वो आपके लिए भी एक सेटबैक था। आपने भी अपनी स्ट्रेटेजी रिविजिट की, और जो बताया जा रहा था स्क्रीनिंग कमेटी में 100 नाम चल रहे हैं, लेकिन 33 नामों के लिए जाहिर तौर पर आपको भी कहीं ना कहीं बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद आपको रणनीति बदलनी पड़ी। अब मैं राजीव तिवारी जी से भी बात कर लेता हूँ। राजीव जी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। अब दोनों पार्टियों के अब आमने सामने चेहरे तय हैं लगभग, धीरे धीरे अब और जब सूचियां आएंगी कांग्रेस की खासतौर पर, बीजेपी तो 124 नाम घोषित कर चुकी है, और हम स्क्रीन पर भी दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, मेरे सहयोगी नीरज भी बताएंगे कि 18 सीटों पर तो अब आमने सामने का मुकाबला तय हो गया, जिसमें कई बड़े चेहरे भी शामिल है। आपका क्या एनालिसिस है राजीव जी, कौन कहाँ खड़ा है इस वक्त पर इन बीजेपी की दो सूची और कांग्रेस की एक सूची आने के बाद? से बहुत आगे, ऑलमोस्ट 55% के करीब सीटें जो हैं, 55-60% वो बीजेपी घोषित कर चुकी है, जबकि कांग्रेस अभी 15-18% पर ही अटकी हुई है। तो इस मामले में तो अभी जहां तक देखा जाए तो बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी ने जो आज दूसरी लिस्ट जारी करी है, 83 नाम है उसके अंदर, और उसमें ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो पहली 41 सीटें थी उनको, उनकी घोषणा के बाद जो बगावत के सुर बुलंद हुए जी पार्टी में, और जगह जगह बहुत तीखा विरोध हुआ उसका, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल तो किया ही। उसके बाद नड्डा जी भी आए, अरुण सिंह जी भी आए, और मेघवाल जी भी आए, सभी को इन्होंने यहाँ पे भेजा, पीएल संतोष भी आए, उन लोगों ने यहाँ डैमेज कंट्रोल की कोशिश करी। लेकिन उसके बाद जब नड्डा जी ने 2-3 संभागों का दौरा किया, और उसके बाद जो तस्वीर उनके सामने आई, और वसुंधरा साथ रही उनके साथ, वसुंधरा भी साथ में रही, तो उसके बाद वो जो सारी तस्वीर उनकी साफ हुई, तो यही वजह है कि आज वसुंधरा राजे और उनके लगभग करीब 25-30 के करीब समर्थकों को टिकट बीजेपी ने दे दिया। तो ये जो पिछली, जैसे भी प्रेम सिंह बाजोर का नाम स्क्रीन पे आया था, तो ये लोग वसुंधरा के कट्टर समर्थक हैं, और उन्हीं के द्वारा राजनीति में लाए गए हैं जी। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं उससे सबक लिया, पहले अपनी जो उनसे कोई गलती हो गई थी टिकटों के सिलेक्शन में, उम्मीदवारों के सिलेक्शन में, तो उससे सबक लेके, और उन्होंने ये जो 83 सीटें, अभी भी 76 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी नहीं की है, और उनमें कई महत्वपूर्ण सीटें हैं, जैसे कोटा उत्तर की शांतिधारी प्रहलाद गुंजल की है, मदन दिलावर की है, इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में भी, राजीव जी दौसा वाले इलाके में भी बीजेपी अभी थोड़ा हिचकिचा रही है नाम अनाउंस करने से। हाँ, वो इसीलिए कर रही है, वो कांग्रेस का इंतजार कर रही है जी, कि वहां एक बार, क्योंकि पिछली बार इस पूरे जो पूर्वी राजस्थान है उसमें या तो कांग्रेस के प्रत्याशी ज्यादा जीते, या निर्दलीय जीते, या बीएसपी के उम्मीदवार जीते थे। पूर्वी राजस्थान में जो पूरे ये जो 14 जिले ईआरसीपी वाले हैं जी, वो उसमें पिछली बार बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी भाजपा की, इसीलिए इस बार वो उस इलाके को अभी रखे हुए इंटैक्ट। और जहां तक कांग्रेस की 33 सीटें आज घोषित हुई हैं, उनमें उन्होंने उन्हीं उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, वो बीजेपी वाली गलती नहीं करी उन्होंने कि बड़े नेताओं को बाद में लेके आए जी, उन्होंने अपने सारे जितने बड़े नेताओं के पहले ले आए जी, धारीवाल जी और महेश जोशी या कुछ और नेताओं को छोड़ दें, तो जो प्रमुख नेता है, सीपी जोशी, खुद अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा जी, मालवीय जी, ये सारे लोग जितने भी हैं उन सबको आज टिकट। वही राजीव जी, हम बता रहे हैं कि कांग्रेस ने काफी पहली सूची से ही बीजेपी से सबक ले पर, हालांकि सूची बीजेपी ने जारी की थी पहली, लेकिन सबक ज्यादा लगता है कांग्रेस ने लिया और काफी सेफ गेम प्ले किया। आप बने रहेगा मेरे साथ स्टूडियो में, नीरज भी हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी। और नीरज, 83 सीटें बीजेपी ने की, जिसमें से करीब करीब 51 सीटें रिपीट हैं जो पुराने चेहरे हैं, और 9 पूर्व मंत्री भी हैं। वहीं कांग्रेस को देखें तो राजीव जी भी बता रहे थे और हम एनडीटीवी राजस्थान पर लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि करीब 30 नाम वो हैं जो पहले से विधायक हैं, और किसी भी तरह का जोखिम लेने की कांग्रेस ने कोशिश नहीं की है।
जैसे आप शो से पहले ही बता रहे थे कि करीब करीब 18 सीटों पर अब मुकाबला तय हो चुका है, और अब जो है राजस्थान में यहाँ से आप कहें कि एक तरह से सियासी पिच तैयार है और अब असली गेम शुरू होगा। निश्चित रूप से सियासी पिच जो है उसकी नींव रख दी गई है और ये कैंडिडेट्स जो हैं अब आमने सामने चुनाव प्रचार में मैदान में उतर चुके हैं। इनके समर्थकों का हम जोश जो है इन चार तस्वीरों में और साथ ही नाराजगी भी चार तस्वीरों में देख चुके हैं। अब जब मैदान में खुल करके जब खिलाड़ी सामने आ जाएंगे तो उसके बाद में समर्थकों का जोश बढ़ करके भी निकलता है। और सबसे बड़ी बात यह वसुंधरा राजे खेमे को पूरी तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश इस सूची के अंदर नजर आती है। वसुंधरा राजे यानी मैडम जिनके लिए कहा जाता है कि वो फ्रंट फुट पर आकर के उन्होंने खेला है और कहीं ना कहीं पार्टी झुकी है और उनको उनके खेमे के जो नेता थे उनको टिकट जो है बड़े स्तर पर सूची के अंदर दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, चाहे बात हम कर ले कालीचरण सराफ की, वासुदेव देवनानी की, या फिर अन्य नेता जो हैं वसुंधरा राजे खेमे के जिनके टिकट मिलने पर संशय के बादल मंडरा रहे थे। ओटाराम देवासी जो एक समाज विशेष के धर्मगुरु भी कहलाते हैं उनको भी टिकट दिया गया। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, अनिता भदेल हैं, इसके साथ ही पुष्पेंद्र सिंह रणावत हैं, हमीर सिंह भायल हैं, जब्बर सिंह साखला हैं, जाबर सिंह खर्रा हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको वसुंधरा राजे खेमे का माना जाता है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जो भजन लाल जिनको भी सांगानेर से अशोक लाहौटी का टिकट काट करके टिकट दिया है वो भी वसुंधरा राजे के पुराने करीबी माने जाते हैं। तो इस तरीके से वसुंधरा राजे पूरे खेमे को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। साथ ही संतोष अहलावत और ज्योति मिर्धा ये दो ऐसे नेता हैं पूर्व सांसदों को जो है जगह दी गई है। हालांकि मौजूदा जो सांसद थे अब ये बात कही जा रही थी कुछ और सांसदों को टिकट जो है वो दिए जाएंगे, लेकिन जब पहले लिस्ट के अंदर सांसदों का विरोध चालू हो गया तो इस सेकंड लिस्ट के अंदर रणनीतिक रूप से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। और अब रोचक मुकाबला जो है वो देखने को इसलिए मिल जाएगा क्योंकि नाथद्वारा के अंदर डॉक्टर सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके सामने आपने सीधे तौर पर विश्वराज सिंह मेवाड़ को जो कि उदयपुर राजघराने के उनको खड़ा कर दिया। दिगंबर सिंह के जो पुत्र हैं पूर्व जो स्वर्गीय हो चुके दिगंबर सिंह वसुंधरा के खास थे उनके बेटे शैलेश सिंह को आपने टिकट दे दिया है डी कुमेर से। तो यानी विश्वेंद्र सिंह वहां से यदि चुनाव लड़ते हैं और चूंकि उन्हीं की वो सीट है पर्यटन मंत्री हैं तो उनके सामने उनका मुकाबला बेहद रोचक हो जाएगा। इसी तरीके से जो अन्य सीटें हैं वहां पर भी ऐसी और सीटें जिनका हम जिक्र करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, कुछ और भी सीटें हैं और कुछ और पहलू भी हैं जो बड़े दिलचस्प होने जा रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम और हम आज लगातार बात कर रहे हैं एनडीटीवी पर राजस्थान में जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच टिकटें अनाउंस हुई हैं, कांग्रेस की पहली सूची और बीजेपी की दूसरी सूची। तो तीनों खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ हैं और पॉलिटिकल जानकार हमारे राजीव तिवारी हैं स्टूडियो में, साथ नीरज मेरे सहयोगी मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे टिकटों के रोचक मुकाबले को लेकर। राजीव जी एक छोटा कमेंट मैं आपसे ले लेता हूँ, बीजेपी जो बड़ी बात करती है लगातार युवाओं की पार्टी होने की और महिलाओं के हितैषी पार्टी होने की, अब तक के कुल एनालिसिस करें तो बीजेपी की करीब 124 सीटों में मेंस 11.5% औरतें हैं, महिलाओं को टिकट दिया गया है और अब सिर्फ 76 सीटें बची हैं, उनमें से अगर वो 33% का आरक्षण का आंकड़ा अगर पार करना है बीजेपी को तो 52 महिलाएं उतारनी पड़ेंगी। यानी वॉक द टॉक तो बीजेपी में दिखाई नहीं पड़ रहा और कई ऐसे नाम हैं, चाहे वो नीरज ब्रेक से पहले बता रहे थे कालीचरण सराफ हो, वासुदेव देवनानी हो, नरपित सिंह राजवी हो, सब उम्र की उस दहलीज पर खड़े हैं जहां बीजेपी में अब मार्गदर्शन मंडल में भेजा जाने लग जाता है 70-72 के बाद। देखिए जो पहला क्राइटेरिया इस बार इस चुनाव में देखने में आ रहा है वो ये है कि जिताऊ उम्मीदवार होना चाहिए और
आप देखिए कालीचरण सराफ लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं मालवीय नगर से, जब से वो परिसीमन के बाद मालवीय नगर सीट बनी तब से लगातार वही जीत रहे हैं। ऐसे ही नरपत सिंह राजवी लगातार चुनाव जीत रहे थे, अपनी सीट से 3 बार जीते और जब इस बार उनका टिकट काटा गया तो उनको जो विरोध को देखते हुए उनको चित्तौड़गढ़ शिफ्ट किया गया। चित्तौड़गढ़ से भी वो पहली बार चुनाव जीते थे। तो सबसे बड़ा जो ध्यान रखा गया है कि कौन व्यक्ति जो है, कौन उम्मीदवार, कौन नेता हमको सीट जिता कर देगा। जी। और जहां तक महिलाओं का सवाल है तो इस बार तो क्या मेरे ख्याल में 28 का जो चुनाव होगा उसके बाद 29 में जो लोकसभा का चुनाव होगा तब जाके कहीं इस कानून का असर देखने को मिलेगा। कांग्रेस बीजेपी भी तमाम चुनाव में 2029 तक भले संसद में जो है बढ़ चढ़ के बातें बोली गई हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की जिम्मेदारी जयपुर में महिलाओं को सौंप दी गई हो, लेकिन मोटे तौर पर गाल बजाई है तब तक। कानून बनने के बाद ही कुछ बात बनेगी। मैं बीजेपी के प्रवक्ता का, कानून तो बन चुका है लेकिन वो लागू नहीं, लागू होने के बाद वही जब कानून लागू होने के बाद ही कुछ बात बनेगी। और अभी 5 साल की 6 साल की मियाद है तब तक उसे लागू करने को लेकर, और उसमें भी आरक्षण को लेकर सवाल उठ रहे हैं लगातार कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी के प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, लौटेंगे राजीव जी आपके पास। महिलाएं सिर्फ 11.5% और युवाओं की जो अगर बात करें तो आपके जो पुराने जिताऊ चेहरों पर आपने दम भरा है, जैसे राजीव जी भी बता रहे हैं कि कांग्रेस तो कह ही रही थी लगातार कि ओनली विनेबिलिटी विल बी द क्राइटेरिया, वही कमोबेश आपके दिखा। उसमें आपने तमाम अपने जो एक तरह से कहें राजनीतिक हैसियत में तो 75-70 की साल आजकल बुजुर्ग उम्र देखी जाने लगी बीजेपी में, और 72-73 के वो तमाम उम्मीदवार फिर से हैं इस बार मैदान में। देखो पहले तो मैं यह बता दूंगा आपको, सिर्फ बीकानेर संभाग का बता देता हूँ जी। सिद्धि कुमारी जी हैं जो कंटिन्यू 3री बार जीत रहे हैं और मार्जिन वही ठीक था 8,000 के लगभग। बीकानेर पश्चिम में जेठानंद जी व्यास जी को दिया क्योंकि गोपाल कृष्ण जोशी जी की डेथ हो गई, इस कारण से दिया। सेकंड नंबर पर बीजेपी रही थी। लून कंडसन से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, वो 11,000 के लगभग वोटों से जीती थी जी। बिहला जी विश्नोई जी हैं, नौका से जीते थे वो। अच्छा सर मेरा सवाल आप सवाल आपसे ये था बता जी, रहा जी, जी नहीं मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। मैं मना करना, आप ये कह रहे ना कि किस हिसाब से कैसे जीत दी है। मुझे तो लगता है कि जो क्राइटेरिया हमारे जीते हुए विधायक हैं अच्छे मार्जिन से जीते हैं, उनका वहां पर किस प्रकार से 5 साल के अंदर कैसा कार्यकलाप रहा है उनको देखते हुए टिकट दिए। दूसरा आपने ये कहा कि महिलाओं का आरक्षण, मतलब एक ऐसी पार्टी जो महिलाओं के बारे में सोचने वाली बात, हर योजनाओं के बनाने वाली पार्टी, और लेकिन एक तरफ आप कांग्रेस की तरफ देखेंगे तो क्या बिल लेके आ जाओ, सिर्फ दिखाने के लिए बिल लेके आ जाओ। सर उन्होंने 33 में से 9, वो तो नवरात्रि में उन्होंने संदेश दे दिया आपको, 9 महिलाएं टिकट दी हैं। मैं बता रहा हूँ आप कह रहे हैं, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ जी। मैं कह रहा हूँ कि यदि आप किसी की भी बात का ताली बजाएंगे तो एक हाथ से नहीं बजेगी, 2 हाथ से। जितने भी कैंडिडेट होंगे सबका होगा, अरे संवैधानिक रूप से होगा जहां पर जीतने की बात आती है, क्योंकि संवैधानिक रूप से हो जाएगा तो सब महिलाओं को आपको टिकट देंगे। शुरुआत आपकी की जाती है संगठन से, भारतीय जनता पार्टी संगठन के अंदर जो हमारी रूपरेखा बनाई है उसमें महिलाओं को इस प्रकार से हम ले रहे हैं, आगे महिलाओं को लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। कांग्रेस भी करे तो अच्छी बात है, लेकिन एक परिवारवाद को चलाओ और उसमें चलो तो वो गलत बात है। सर परिवारवाद देखने को तो मिला ही आपकी सीटों में इस बार। मैं कह रहा हूँ सीट नहीं, अब सीट से ज्यादा आप देखिए कि सीट से बता है कि एक पार्टी जो परिवार में रही है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरी पार्टी का कब्जा पीछे से आगे से, यदि नहीं है तब भी है। प्रियंका गांधी जी आते हैं तो सबसे हैसियत तो सबसे लास्ट में भाषण बोलते हैं तो पता लगता है कि इस परिवार की कितनी हैसियत है जी, जी। उनको इंपोर्टेंस दी जा रही है, तो ये परिवारवाद होता है। राहुल गांधी आज कुछ भी नहीं है लेकिन उनकी भी अहमियत दी जाती है, सोनिया गांधी दी जाती है। बीजेपी में ऐसा नहीं है, जो प्रेजेंटली में होगा उनका उनके बारे में किया जाएगा, उसके पद का सम्मान किया जाता है, ये पद का सम्मान नहीं करते। सर आप उस मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं जो मैंने राजीव जी से उठाया था कि 124 में से 14 नाम ही आपके महिला नाम है, करीब 11.5%। अब जो बचे 76 सीटें हैं, अगर आप वो 33% का आंकड़ा महिलाओं को सदन में लाने के लिए दे रहे हैं, महिला आरक्षण में जो कानून भी बना है अभी दोनों सदनों से पारित होकर, उसके लिए आपको 76 में से 52 उम्मीदवार जो महिलाएं रखनी पड़ेंगी। खैर एक दूसरा सवाल मेरा इसी से जुड़ा था कि जो 70-72 साल के उम्मीदवार आप उतार रहे हैं और 75 का आप पैमाना तय कर चुके हैं मार्गदर्शन मंडल के लिए, तो आपको अगले चुनाव में फिर से नए सिरे से कोशिश कवायद करनी पड़ेगी नए सिरे से उम्मीदवार ढूंढने के लिए।
मैं कह रहा हूं कि आपकी जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि मार्गदर्शन मंडल के अंदर जी, मुझे लगता है कि किसी को इस प्रकार से किसी पार्टी के बारे में आप कह सकते हैं आप स्वतंत्र हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं जी, और आप कहे भी। लेकिन गुजरात के आप चुनाव में देखेंगे तो हमने 2-3 सीटें 3-4 सीटें ऐसी थी जो 75 साल से ऊपर की थी उनको भी जी। यदि किस प्रकार का उनका काम देखिए आप, देवनानी जी देख लीजिए आप, क्या शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को 29वें नंबर पर था, वो दूसरे नंबर पर लेके आए जी जी, उस पे लेके आए। तो क्या उस मैं कह रहा हूं कि जनता के हित में, राजस्थान के हित में कोई हो, काम करने वाला हो और शारीरिक रूप से सही जी, हो जी, आप उनका संगठन के अंदर काम करने का जी जी सही 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 है। आपकी पार्टी हम लेंगे जी, वो आपके पार्टी का मसला है, आप किस तरह से टिकट दें। और राजीव जी ने भी कहा कि सिर्फ विनेबिलिटी क्राइटेरिया, समय बहुत कम है, मैं नीरज से जान लेता हूँ। नीरज, जो संक्षिप्त में आप बता रहे थे कि 18 सीटों पर लगभग मुकाबला तय, कौन कौन सी ऐसी दिलचस्प सीटें जिसको दर्शकों को जानना जरूरी है संक्षिप्त? ये महत्वपूर्ण चीज है कि 18 सीटों पर जो अभी मुकाबला बिछ गया है, इसमें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी एक टफ फाइट देखने को मिल सकती है। नाथद्वारा की हमने बात की, सीपी जोशी वर्सेस विश्वराज सिंह जो मेवाड़ है उनके बीच मुकाबला होगा। सवाई माधोपुर में दानिश अबरार मुस्लिम कैंडिडेट को दोबारा से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। बीजेपी ने अभी तक कोई मुस्लिम कैंडिडेट यहां पर घोषित नहीं किया है। यूनुस खान के टिकट पर भी संशय पूरी तरीके से बरकरार है। तो किरोड़ी लाल मीणा जो है, मीणा आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और किरोड़ी लाल मीणा खुद अब जाकर के दानिश अबरार के सामने चुनाव लड़ने वाले हैं। सांसद हैं राज्यसभा के, उनको टिकट दे दिया गया है। इसी तरीके से अमित चाचाण और अभिषेक मटोरिया के बीच में नोखा के अंदर जो है ये मुकाबला नोहर के अंदर होने वाला है। मंडावा में रीटा चौधरी वर्सेज नरेंद्र कुमार मुकाबला देखने को मिलेगा। गोविंद सिंह डोटासरा मालवीय नगर का भी है। मालवीय नगर में अर्चना शर्मा 2 बार हार चुकी हैं चुनाव कालीचरण सराफ से, 3री बार फिर से टिकट दे दिया गया है। ये भी एक चौंकाने वाली बात है। हालांकि पिछली बार मार्जिन कम रहा था, शायद यही सोच रही होगी कांग्रेस की अब की बार कुछ ना कुछ रिवाइव कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर बात करें तो मनोज मेघवाल के सामने संतोष मेघवाल जो है सुजानगढ़ से, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया है। मुंडावर से ललित कुमार यादव के सामने मंजीत धर्मपाल चौधरी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के सामने भी सुभाष मेहरिया को टिकट दे दिया गया। कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं जी, जी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, सांसद रहे। कुल मिलाकर के एक रोचक मुकाबला यहां बनाने की कोशिश की गई है। रामनिवास गावड़िया के सामने मानसिंह किनसरिया जो है वो चुनाव लड़ेंगे। हरीश चौधरी जो कि पंजाब के प्रभारी हैं कांग्रेस के और पूर्व राजस्व मंत्री रहे हैं राजस्थान के अंदर, इनके सामने जो है बालाराम मूड़ चुनाव लड़ेंगे। तो ये एक शानदार कई दिग्गज, खासतौर पर नाथद्वारा की सीट बड़ी इंटरेस्टिंग होगी नीरज, जिस तरह से बताया आपने। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।